क्या मस्त रोगन ऊपर आया है और लेग पीस तो काफी शानदार दिख ही रहा है। चिकन हमारा फ्राई होके रेडी हो गया, ये पहला बैच था और ये देख सकते हैं बाकी का रखा हुआ है उधर, तो बारी बारी से इसी तरह से इसे छाना जाएगा। और ये दोनों साथ मिलके बनाते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। अभी हम लोग हैं मरीन ड्राइव पे और आ चुके हैं एक कार्ट के पास जो कि है चिकन लिट्टी। तो यहाँ पे काफ़ी यूनिक वे में प्रिपरेशन किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अलग से आपको चिकन के लेग पीस मिलेंगे, लेग पीस के साथ आपको चिकन लिट्टी दिया जाता है, ये नहीं कि आपको यहाँ पे नॉर्मल पीस मिलेगा। तो और घी वगैरह भी लास्ट में डाला जाता है। तो सारा प्रिपरेशन आपको दिखाएंगे वीडियो में, प्रिपरेशन देखने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ के ओनर से बात करते हैं और टेस्ट करके बताएंगे यहाँ का चिकन लिट्टी कैसा है और उनसे पूछते हैं कैसे इन्होंने स्टार्ट किया पटना में, कैसे सोचा ये सब। आ गए अभी यहाँ के ओनर के पास, सत्यम दिख रहा है आपका नाम सत्यम, तो ये है यहाँ के ओनर। तो कॉन्सेप्ट बताइए कैसे स्टार्ट किया इस। बेसिकली मैं दूसरे फील्ड से था बट लाइक मुझे बहुत फूडी था शुरू से, खाने पीने का काफी शौक, हमेशा से कुछ था कि बिहार के लिए कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट लेके आए बिहार के फूड को रिप्रेजेंट करें, इसी सोच में स्टार्ट किया था। 100 लेग पीस भी किसी का ऑर्डर आता है ना तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, उन लोग के पास अवेलेबल रहता है। तो होता है ना नॉर्मल शॉप ओनर्स के पास होता है कि जितने एक चिकन में दो लेग पीस होते हैं सिर्फ दो ही लेग पीस, वैसा कोई सीन नहीं है। तो आप मेकिंग देखिए तब तक, चलिए मिलते हैं सीधे लास्ट। गाइस यहां पे प्याज कटना रेडी है। तक जी प्याज काट रहे हैं आप लोग? 80 केजी 80 केजी यहाँ पे प्याज का कटिंग हो रहा है और ये भैया काट रहे हैं तेजी तेजी में, और इधर से इन लोग का इन लोग प्याज छील रही हैं, छील के इसमें डाला जा रहा है। तो देखिए क्या स्पीड से काट रहे हैं भैया, ये देखिए। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को चिकन लिट्टी का कैसा प्रोसेस है, कैसे बनता है। इतना प्याज कट के रखा जा चुका है, रिफाइन है भैया, हल्दी पाउडर है भैया, नमक, चाय पाउडर, गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया गया है लेग पीस के साथ। और इसको क्या करने वाले हैं भैया, अभी फ्राई करेंगे तेल में, फ्राई किया जाएगा तेल में और फ्राई करके फिर अलग टाइप का एक लिट्टी चिकन बनने वाला है। यहाँ पे सिर्फ लेग पीस का ही आपको लिट्टी चिकन मिलेगा। चलिए सर चिकन डाल रहे हैं पीछे थोड़ा। तो गाइस देख सकते हैं सारा का सारा लेग पीस इसमें जा चुका है, इसे फिर से फ्राई किया जाएगा। कितना देर फ्राई करेगा भैया? 5 मिनट। ये देख सकते हैं हल्का हल्का लाल होना स्टार्ट हो चुका है, एक अलग सा इससे वो आ रहा है। जब फ्राई होता है ना चिकन तो आप लोग घर में फ्राई करते होंगे उस टाइप का, उसी टाइप का समझिए आ रहा है, तेल में एकदम खोल रहा है। गाइस चिकन तैयार हो गया भैया, चिकन हमारा फ्राई होके रेडी हो गया, ये पहला बैच था और ये देख सकते हैं बाकी का रखा हुआ है उधर, तो बारी बारी से इसी तरह से इसे छाना जाएगा, डीप फ्राई करके पूरे अच्छे से लाया जाएगा। चिकन लिट्टी में ये अलग टाइप का लेग पीस मतलब फ्राई किया हुआ ही चिकन जाता है। कड़वा तेल डाल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अभी सरसों का तेल डाला जा रहा है और इसके बाद इसमें आपको मसाला फ्राई होगा, जो चिकन लिट्टी का जो मसाला है वो फ्राई किया जाएगा। अब हरा मिर्चा, हरा जीरा, हरा गोलकी, अब ये हो गया सर चाय पत्ता, हरा लहसुन सर। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा लहसुन डाला गया है, तो सर कितना लहसुन डाल दिया भैया? आधा किलो तो हो ही जाता है, आधा किलो। तो अब ये सारा का सारा कुछ को अच्छे से फ्राई किया जाएगा मिला के, तो कितना देर फ्राई करेगा भैया? कम से कम 1 घंटा भैया, इसको 1 घंटा करेगा इस प्याज को, इसको तो 10-5 मिनट फ्राई किया जाएगा, उसके बाद प्याज डाला जाएगा, 1 घंटा के लिए फ्राई किया जाएगा। नमक, गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अभी नमक डाला गया है और प्याज में अच्छे से मिक्स किया जाएगा। कितना केजी प्याज डाले हैं भैया इसमें? 30 केजी है सर। नमक डाल के इसे अच्छे तरीके से गलाया जाएगा और इसे गलने में काफी टाइम लगेगा। तो देख सकते हैं काफी ह्यूज क्वांटिटी में बन रहा है चिकन लिट्टी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अभी प्याज गलना स्टार्ट है और प्याज गलने के बाद इसमें मसाला डाला जाएगा। अब प्याज गल चुका है सर, अब लहसुन का पेस्ट है। खाली लहसुन है क्या? नहीं सर सिर्फ लहसुन है। गाइस अभी देख सकते हैं प्याज गल चुका है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला गया और इसे अच्छे से फ्राई किया जाएगा। कितना देर इसको फ्राई करिएगा? इसको सर 1 घंटा हम फ्राई करेंगे। अभी 1 घंटा और भाई, 1 घंटा मेन तो सर मसाला ही भूनने का टाइम, प्याज गल जाता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मेन मसाला भूंजिया मेन है, पहले प्याज को गलाने में 1 घंटा लगा फिर मसाला भूंजिएगा। अब हल्दी पाउडर डला रहा है, धनिया पाउडर अब डाल रहे हैं सर, जीरा पाउडर, इसको फ्राई किए हुए थे क्या? हाँ सर फ्राई किया हुआ जीरा पाउडर डाला गया है, मिर्चा पाउडर। तो गाइस अभी यहाँ पे डाला जा चुका है मिर्चा पाउडर,
देखिए सर, कश्मीरी लाल मिर्च, चिकन मसाला पड़ेगा, मीट मसाला सर डलाएगा। अब गरम मसाला पड़ेगा सर। गाइज ये बिल्कुल बन के अब रेडी है, क्या रेडी है? नहीं, हाँ दम रेडी है भैया, तो बिल्कुल जाने के लिए रेडी है। उधर चिकन भी रेडी है फ्राई होके सारा का सारा, तो ये अभी जाएगा सब कुछ मरीन ड्राइव पे और वहाँ पे मिलते हैं आप लोग से डायरेक्ट। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं अभी पूरा का पूरा टंगड़ी आ चुका है, मुर्गे का टांग आ चुका है, इसे अच्छे से सजाया जा रहा है और एक एक सजा के फिर उसके बाद इसे मसाला वगैरह डाला जाएगा। ये कितने अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है पूरे टंगड़ी को, पूरे लेग पीस को। और इधर लिट्टी बनने का प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं इधर कोयला डाल दिया गया है, इधर बिरयानी रखा गया है। तो ई रिक्शा पे ये पूरा का पूरा कार्ट है और ई रिक्शा पे सारा सेटअप है। ये डाल रहे हैं स्पेशल ग्रेवी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अभी ग्रेवी डाला जा रहा है, जो देखा आपने प्रिपरेशन हुआ था वो सारा का सारा यहाँ पे चिकन के साथ, चिकन लेग पीस के साथ मिलाया जा रहा है और चिकन लिट्टी तैयार होगा यहाँ पे। ये है लिट्टी डाल रहे हैं काटने का। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लिट्टी को कट किया जा रहा है, कट करके जितना भी ग्रेवी है और चिकन है सबको मिक्स किया जाएगा, लटपट लिट्टी चिकन बनेगा, काफी टेस्टी बनने वाला है। आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस, देखिए प्रोसेस तो आपने देखा ही हुआ कैसे बना था ये ग्रेवी, लिट्टी को फ्राई किया गया था और उसके बाद ये लास्ट प्रोसेस है मिक्स होने का। कितना देर इसको फ्राई करती हैं आप? ये बस दो तीन मिनट और उसके बाद ये फाइनल है खाने के लिए ना। इसमें कुछ मसाला भी जाता है क्या? जी इसमें डालते हैं 7-7 मसाला। ओह अभी से ही इतना टेस्टी दिख रहा है। अगर आप लोग को लिट्टी चिकन खाना पसंद है या फिर आपने कभी खाया नहीं तो जरूर आके ट्राई करिए चिका लिट्टी के पास, शानदार और काफी टेस्टी सा रहता है, काफी मस्त सा अरोमा आ रहा है। आप देख सकते हैं क्या मस्त रोगन ऊपर आया है और लेग पीस तो काफी शानदार दिख ही रहा है। ये देखिए और थोड़ा सा ग्रेवी डाला जा रहा है, कम पड़ गया, पानी इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि जले नहीं मसाला वगैरह। और अभी हम लोग हैं मरीन ड्राइव पे, आप देख सकते हैं पीछे कितना अच्छा व्यू है और ये दोनों साथ मिलके बनाते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे सत्तू भरा जा रहा है लिट्टी में और काफी अच्छे से स्टफिंग किया जाता है, तो देख सकते हैं काफी अच्छा स्टफिंग है। और इधर सिकड़ी रखा हुआ है, सिकड़ी पे अच्छे से कोयले की आंच पे सेका जा रहा है सारे के सारे लिट्टी को और फिर उसके बाद यहाँ पे रखा जाता है, फिर उसका लिट्टी उधर मिक्स होता है या फिर आप उसे डायरेक्ट का डायरेक्ट चुड़वा के अच्छे से मैश करके चिकन के साथ खा सकते हैं। और इसके बारे में बताइए अपना मेन्यू कार्ड के बारे में। तो हम लोग का मेन्यू बहुत लोगों को यहाँ पे पसंद आता है और बहुत लोग इससे अट्रैक्ट होता है। मेन्यू का नाम जैसे लोग सिंगल, जो सिंगल लोग लॉन्डे उन लोग के लिए नाम हम लोग का है चिकन अकेलापन। और जो लॉन्डे को सिंगल लॉन्डो को पसंद है लेग पीस या सिंगल लड़कियों को पसंद है लेग पीस उनका है चिकन अकेलापन। लड़कों लोग को ज्यादा लेग पीस और जो कपल है जो की उनके लिए चिकन मियां बीवी दो पीस और दो लिट्टी जोड़ू का गुलाम को। जोड़ू का गुलाम की जैसे अगर पत्नी खाए लेग पीस और बंदा को मिले नॉर्मल पीस तो वो हो गया जोड़ू का गुलाम। और ये है टंगड़ी लवर, लेकिन इसका नाम चेंज हो इसका नाम होगा क्या नाम होने वाला? चिकन दोगलापन। अरे सुनील ग्रोवर का जो फेमस डायलॉग है दोगलापन, क्योंकि दो टंगड़ी है इसमें, दो टंगड़ी इसलिए दोगलापन बोला जा रहा है इसमें। दो ये है वाले में, हाँ ये चिकन पारिवारिक, इसमें चार लेग पीस है चार लिट्टी। और आपके आउटलेट्स कहाँ कहाँ पे? हम लोग अभी टोटली रनिंग में अभी 4 आउटलेट्स हैं, मरीन ड्राइव पे 2 हैं, बोरिंग रोड में 1 है और आपका एक गोला रोड में अभी ओपन होने वाला है 1 तारीख को, सो अभी 4th आउटलेट में गोला रोड वाला हो जाएगा और फर्दर हम लोग और भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर गार्निशिंग हो रहा है कस्तूरी मेथी से, इससे अलग सा टेस्ट आता है। और ये क्या, ये चाट मसाला डाल रही हूं। तो गाइस देखिए अभी बन के रेडी है तो लगा दीजिए मेरे लिए। ये देखिए गाइस लिट्टी आ गया सेका हुआ वाला, आपने देखा होगा बनते हुए इसे, और इसे अच्छे से क्रश किया जा रहा है। क्रश करके ये क्या डाल रही है? घी है, प्रॉपर घी है, गाय का घी डाला जा रहा है। ये देखिए गाइस आ गया लेग पीस, दोनों ही लेग पीस डलवा रहे हैं, 2 पीस मिलता है, इसके ऊपर से ग्रेवी डाला गया, काफी शानदार सा खुशबू आ रहा है, काफी शानदार सा अरोमा आ रहा है। और ये देखिए गाइस काफी लटपट सी ग्रेवी बन के रेडी हो गई है, लटपट सी चिकन लिट्टी और इसके ऊपर प्याज को गार्निश किया गया और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है चाट मसाला के साथ। तो गाइस फाइनली लिट्टी चिकन आके रेडी है हमारे पास और काफी शानदार सा कलर आया है, आपने देखा ही होगा वीडियो में। अब हमें टेस्ट करके बताते हैं इसको कैसा है, कसूरी मेथी के साथ और प्याज के साथ गार्निश किया गया। और ये देखिए कैसा चिकन पका, जूसी सा चिकन है, ये देखिए। ओ ये देखिए गाइस काफ़ी अच्छे तरीके से पक रखा है और काफ़ी गर्मा गर्म है भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो सबसे पहले लेग पीस को ही ट्राई करते हैं, अच्छे से ग्रेवी में लगाते हैं चिकन लेग पीस, ट्राई करते हैं।
जो मसाले हैं ना पूरे अंदर तक जा चुके हैं और काफी अच्छे से अंदर से जूसेस निकल रहे हैं चिकन के अंदर। आप देख सकते हैं, चिकन दिखाइएगा, ये देखिएगा, तो काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। कसूरी मेथी का भी टेस्ट आया हल्का फुल्का, और बहुत सारा मसाला यूज किया गया था, आपने देखा ही होगा वीडियो में, तो वो सब सारे मसाले का टेस्ट आ रहा है, हल्का हल्का मिक्स सा टेस्ट है, लेकिन काफी शानदार टेस्ट है। और इसका जो एरोमा है ना काफी लाजवाब, ये देखिए लिट्टी काफी साइज में अच्छा खासा बड़ा है, और सत्तू का स्टफिंग देखिए, अच्छे से सत्तू को स्टफ किया गया है। इसको लगाएंगे ग्रेवी के साथ, और ये देखिए, ये एक अच्छा सा बाइट रेडी है खाने के लिए। जो सत्तू के साथ जो इसका ग्रेवी का जो टेस्ट आ रहा है ना, अल्टीमेट है। मतलब आप लोग को ऐसा लिट्टी चिकन मेरी पटना में ना मिले। अगर आप लोग मरीन ड्राइव आते हैं चलते फिरते, तो यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें दबा के, और शेयर कर दे जो लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, जो लोग चिकन खाना पसंद करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, जाके सब्सक्राइब बटन भी दबा लें। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।